जय हिंद, मैं जैद खान, INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ते हैं आज की सुपर फास्ट टॉप 9 न्यूज के साथ। साल नया तस्वीर फिर से वही, बिहार एक बार फिर से जलमग्न हो गया है। साल दर साल बिहार में बहुत कुछ बदला, लेकिन नहीं बदली तो मानसून में राज्य की बदहाल स्थिति। इस बार कोरोना की वजह से दोहरी मार पड़ी है। स्वस्थ सुविधा तो पहले से ही चरमरा रही थी, उस पर आधा बिहार तालाब बना हुआ है। SC ने वरिष्ठ वकील दुष्यंत देव को PM केयर्स फंड और NDRF को लेकर लिखित जवाब दाखिल करने की इजाज़त दे दी है। मामले में SC ने केंद्र की ओर से पेश SG से भी 3 दिन में लिखित नोट दाखिल करने के लिए कहा है। जस्टिस भूषण ने कहा कि केंद्र सरकार को PM केयर फंड को NDRF में ट्रांसफर किया जा सकता है या नहीं, इस पर स्पष्ट जवाब दाखिल करना चाहिए। मजदूरी करके गुजर बसर करने वाले फकीर विरोध करने की हालत में नहीं थे, लिहाजा प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन ने इनकी नहीं सुनी और नेताओं ने इसे वोट बटोरने का मुद्दा बना लिया। अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधियों ने सालों तक इन्हें कब्रस्तान का आश्वासन देकर वोट लेते रहे। आखिरकार फकीरों को उनकी फितरत समझ आई और अपनी आवाज को दिल में दबाकर हालत से समझौता कर लिया। 70 के दशक में यहाँ घर के भीतर लाशों को दफनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। आलम यह है कि घर घर में चूल्हे से लेकर आंगन तक 5 से 7 कब्रें बनी है। राजस्थान में जारी सियासी संग्राम के बीच खबर आई है कि राज्यपाल कलराज मिश्रा ने विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए राजी हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल कलराज मिश्रा ने सोमवार की दोपहर को राज्य कैबिनेट की मांग को स्वीकार करते हुए विधानसभा का सत्र का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, कोलकाता और मुंबई स्थित कोरोना की जांच के लिए अत्याधुनिक लैब का उद्घाटन किया है। यहां प्रतिदिन जांच की क्षमता 6000 तय की गई है। नोएडा सेक्टर 39 स्थित राष्ट्र में कैंसर रोकथाम एवं शोध संस्थान NCPR में बनी कोरोना जाँच की लैब अत्याधुनिक होगी। जेल की सजा काट रहे राजद नेता लालू प्रसाद यादव की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लालू प्रसाद का फिलहाल रांची अस्पताल में कई बीमारियों का इलाज चल रहा है। हालांकि उनकी देखभाल में लगे 3 लोगों में बीमारी की पुष्टि हुई है। अस्पताल में एक वरिष्ठ चिकित्सक ने सोमवार को यह जानकारी दी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। छतरपुर से पन्ना की तरफ एक स्कॉर्पियो कार जा रही थी, इसी दौरान कार ने सामने से आ रहे 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पलटकर सड़क के नीचे चली गई। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया नारद चंद्रबाबू नायडू ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के टमाटर किसानों को ट्रैक्टर भेजे जाने की प्रशंसा की है। सूद ने चित्तौड़ के रहने वाले किसानों को ट्रैक्टर भेजा था। नायडू ने रविवार शाम को ट्विटर पर सोनू सूद की जरूरतमंदों की मदद करने के प्रयास को लेकर तारीफ की। भारत सरकार ने जिस तरह टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐपों को बैन किया था, उसी तरह पबजी समेत 47 नए चीनी ऐपों को बैन किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए देखते रहिए INN टुडे। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब टू अवर चैनल INN टुडे एंड प्रेस द बेल आइकन।